हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन से जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं विदाउट किसी एनी चार्ज के। तो फिर हम बात करने वाले हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इससे पैसे कैसे कमाएंगे, स्टूडेंट से फीस कैसे लेंगे और इससे वगैरह सारी जानकारी, और इससे हमारे स्टूडेंट हमसे कैसे जुड़ेंगे सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है क्लास प्लस लाइट। तो जैसे आपके सामने आएगा सिंपल आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सिंपल से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिखाई दिया है कि यदि आप टीचर हैं तो ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, आप यदि स्टूडेंट हैं तो ये वाला चुनेंगे, यदि आप पेरेंट्स हैं तो ये वाला चुनेंगे। ठीक है, स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल सेम ऑप्शन आएंगे ये, मगर टीचर के लिए अलग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में टीचर के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में टीचर के लिए बात करेंगे, मगर आखिर में हम थोड़ी सी बात इसके बारे में भी करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए हम ये बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे लॉगिन करेंगे, या फिर जो टीचर हैं वो देख सकते हैं कि हम वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे लॉगिन करें। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, टीचर वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे। 1 से 2 सेकंड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन है, टीचर स्वीप करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसे गेट स्टार्टेड कर देंगे। जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम गिर दूंगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इतनी चीज़ गिनने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP गिनना पड़ेगा जो आपके मोबाइल नंबर पाएगा। आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, OTP फिलअप कर देंगे। जैसे आप OTP फिलअप करेंगे उसके बाद आपके ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ प्राप्त होंगी। ठीक है, एक तो आपका जो WhatsApp है, ठीक है, WhatsApp है, उस पर एक SMS आ जाएगा। ठीक है, उस पर आप क्या है कि आप इसे ज्वाइन कर चुके हो क्लास प्लस को, वहाँ पर आप अपने सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावेद कोचिंग। ठीक है, मेरी जो कोचिंग का नाम है वो जावेद कोचिंग रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है व्हाट बैच क्या होता है और अपने स्टूडेंट्स कैसे ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर हम सभी इंफॉर्मेशन आपको भी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहां पर है कि आप बैच कैसे बनाएंगे, तो यहां पर जो दिया गया ऑप्शन है क्रिएट बैच, तो आपको सिंपल इस पे क्या करना है, ओके कर देना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है कि आप यदि अपने पार्टनर बनाना चाहते हैं किसी को, ठीक है, तो आप यहां से पार्टनर बना सकते हैं। यहां पर काफी सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप सब कुछ। ठीक है, सिंपल ऐसे ही हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी इसकी कंडीशन है जो आपके सामने वाला है, आप देख सकते हैं। यदि हमें अभी पार्टनर नहीं बनाना चाहते तो हम सिंपल छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये होम वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर है क्रिएट बैच, उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है, सेंड SMS नोटिस, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सपोर्ट सेंटर। ठीक है, सेंटर का सपोर्ट, तो उसके लिए हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्टूडेंट कनेक्ट हैं, उसके बाद लाइव कितने स्टूडेंट कनेक्ट हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल आप यहाँ से शेयर करेंगे, इस पोके करेंगे आप सिंपल, और यहाँ से स्टडी मटेरियल शेयर कर देंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे रेफर कर गए। ठीक है, इसे आप यदि किसी को रेफर करना चाहते हो तो रेफर कर सकते हैं। रेफर करने पर आपको क्या होगा, यहाँ से पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके जो पैसे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रुपए प्राप्त होंगे, सिंपल आप बात को देख सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, यहाँ पर है बैच कैसे बनाएं, तो बैच कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट बैच पर ओके करना है। जैसे आप क्रिएट बैच पर ओके कर देंगे, तो ओके करने के बाद यहाँ पर है कि आप बैच के नाम भी रखना चाहते हैं, तो हम बैच के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर है मैथ्स क्लासेस यहाँ पर है। उसके बाद आप बैच कब स्टार्ट करने जाते हैं, तो डेट कब रखने जाते हैं, तो हम यहाँ पर डेट रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 नवंबर 2020 रख लेते हैं बैच स्टार्ट करने की डेट। उसके बाद क्या कर लेते हैं, डन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे डन कर लेंगे तो बैच हमारे क्या है कि वो बन चुका है। उसके बाद बन चुका है, उसके बाद फिर बात है कि लाइव कैसे जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल फॉर लेटर। ठीक है, शेड्यूल हम कभी भी बना सकते हैं। यहाँ पर है कि आप लाइव जा सकते हैं यहाँ पर, और आपका जो कोड है, बैच कोड है, वो ये है। आप अपने जो स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं बैच कोड। ठीक है, और जिससे आपके स्टूडेंट क्या है कि
यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि ऐड स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो आप अपने व्हाट्सअप से या फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ऐड फ्रॉम ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, या फिर ऐड मैनुअली कैसे भी ऐड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो यहाँ पर हम व्हाट्सअप से ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, तो व्हाट्सअप से हम इस पर ऐड करना चाहेंगे। तो जैसे आप व्हाट्सअप से ऐड करने की सोचेंगे, तो 1 से 2 सेकंड वेट कर लेते हैं, हम सारी की सारी डिटेल दिखाएंगे आपको यहाँ पर। तो सिंपल आप जैसे कि इसी टाइम को कर लेते हैं ऐड व्हाट्सअप पर, तो आपके पास ये कि SMS होगा, आप ये SMS अपने स्टूडेंट को भेज देंगे और आपका स्टूडेंट इस पर जैसे ऐसी प्रोसेस दी गई है वैसे वैसे करते जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये सभी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम क्लास प्लस स्लाइड पर वापस चले जाते हैं और आपका स्टूडेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा इस टाइप से। और आप यहाँ पर कितने भी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और आपका स्टूडेंट जो है वाला कोड यूज़ करेगा। उसके बाद फिर बात करी जा रही है कि आप अपने स्टूडेंट कैसे देखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर ओके कर लेंगे और यहाँ पर अपने स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर स्टडी मेट, ठीक है, स्टडी मेट क्या है, यहाँ पर आप अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, कंटेंट के बना सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले कि एक्स्ट्रा लिंक कैसे लगाएं, ठीक है, यहाँ पर ओके करेंगे और अपना यूट्यूब का भी लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर अपलोड इमेज, इमेज कैसे अपलोड करें इस पर, तो आप इस पर इमेज अपलोड कर सकते हैं, इस पर ओके करेंगे जो भी इमेज होगी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप कोई भी PDF अपलोड कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अपना आप जैसे ये अपलोड डॉक्यूमेंट पर ओके करेंगे तो यहाँ पर है कि स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ से परमिशन एक्सेप्ट करने के बाद ना यहाँ से ऐसे करेंगे, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में कोई भी PDF आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, ऐसे ही अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यदि आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल ऐड करें, जैसे कि ऐड अपलोड इमेज करना चाहते हैं तो अपलोड इमेज कर सकते हैं, यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्रिएट नोट्स, यहाँ पर आप खुद बैठकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट नोट्स, और आप यहाँ पर लिख लिख के बना सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ की होमवर्क, यहाँ पर अपने स्टूडेंट को होमवर्क दे सकते हैं, यहाँ पर होमवर्क दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, वीडियो, आप छोटी छोटी वीडियो बनाकर यहाँ पर वीडियो दे सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं लाइव क्लास, तो यहाँ पर आप गो लाइव जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर गो लाइव वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे सिंपल ऐसे, तो आप यहां से अब लाइव जा चुके हैं। तो आप सिंपल अब यहां पर लाइव जा चुके हैं, यहां पर लाइव जा चुके हैं, जरा हम यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे आपकी लाइव में थोड़ी देखो स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आप लाइव जा सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, तो आप ऐसे ही लाइव कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता दिया गया कि आप लाइव कैसे जा सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर अपना आप शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि आप लाइव कितने घंटे का होना चाहता है, ठीक है, उतने घंटे का आपका लाइव होगा और कब कब आप पढ़ाओगे, सब कुछ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो का जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कर दे ज़रूर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को करने प्रेस कर देना है जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक टीच मिंट, लीड स्कूल ऐप और अन्य वगैरह कोई भी ऐप देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर सर्च कर लें कि लीड्स स्कूल ऐप टैग बाय जावेद, ठीक है, आप सर्च कर लें या फिर आप देख सकते हैं नीचे स्वाइप करके आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और यदि आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाएं, ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर कहा गया है कि टीचर कोड क्या होगा, तो टीचर कोड क्या होगा, टीचर कोड हमारा ये है जो आप हमारे स्टूडेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, टीचर कोड हमारा ये वाला है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।